हाँ तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का सेट 1 मैथ का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का देखेंगे, है ना, जो कि किस प्रकार पूछा गया है। 21 नंबर का प्रश्न है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनफल के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है। ऑप्शन में है अद्वितीय, अनेक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अद्वितीय। तो यहाँ क्या बोलते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय। 22 में प्रश्न नंबर 22 में क्या है, रूट दो खाली स्थान संख्या है और परिमेय परिमेय, तो रूट दो क्या है जिसका p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कोई भी जो संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें रूट दो क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। 23 नंबर का प्रश्न है, एक ए वन बट्टा ए टू बराबर नहीं है बी वन बट्टा बी टू हो तो हमें खाली स्थान हल प्राप्त होता है। जब ऐसा कंडीशन दिखेगा तो क्या होगा, पहला में ऑप्शन ए में अद्वितीय और एक अनेक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अद्वितीय। इसमें अद्वितीय भर देना, अद्वितीय। 24 नंबर का प्रश्न में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो तो विभक्तर डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं डी बराबर खाली स्थान होता है। तो डी बराबर क्या, तो हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। डी बराबर क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना, ऑप्शन है। 25 नंबर का प्रश्न है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को खाली स्थान कहते हैं, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण। तो समीकरण में याद रखना है दोस्तों, चर अचर दोनों रहते हैं और बराबर का साइन रहता है, इक्वल टू, है ना। इक्वल का साइन दिख गया तो समीकरण बोलेंगे और इक्वल का साइन नहीं दिख गया तो बहुपद बोलेंगे। देखिए इसमें इक्वल का साइन दिख रहा है, नहीं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। तो इसका यहाँ क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। 26 नंबर का प्रश्न है, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो है हो तो मूल क्या होगा, होते हैं मूल खाली स्थान होते हैं वास्तविक काल्पनिक। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि डी, डी बराबर यदि जीरो आता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, है ना, वास्तविक, वास्तविक। यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह आप डी भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। तो यहाँ डी भी बराबर दे सकता है, डी बराबर जीरो हो तो मूल क्या होगा, तो वास्तविक होगा, है ना। 27 नंबर प्रश्न है, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार अंतर समान होता है उसे खाली स्थान कहते हैं, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, है ना। जैसे देखिए दो चार छ आठ, देखिए इसमें क्या है, सबका सार अंतर क्या है, समान हो रहा है। देखिए चार में दो घटाएंगे तो दो आएगा, छः में चार घटाएंगे तो दो आएगा, आठ में छः घटाएंगे तो दो आएगा। तो जिसका सार अंतर समान होता है, है ना, तो उसमें क्या समांतर श्रेणी में होता है, इसमें होता है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी श्रेणी। उसके 28 नंबर का प्रश्न है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु, है ना। तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समबाहु, समबाहु मतलब जिसका सभी भुजा बराबर हो, है ना, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। 29 नंबर का प्रश्न है, टेन 90 माइनस थीटा खाली स्थान होता है, है ना। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, खाली स्थान, कॉट थीटा सेक थीटा, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, इसका कॉट हो जाएगा, है ना, कॉट थीटा। 30 नंबर का प्रश्न है, घटना ए की प्रायिकता जोड़ घटना ए नहीं होने की प्रायिकता का बराबर है, खाली स्थान है एक और जीरो, तो इसमें क्या होगा, एक, है ना। तो इसमें घटना ए की प्रायिकता और घटना ए नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है ना, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।